बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। सबसे पहले बड़ी जानकारी से रूबरू हम आपको करा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है ये आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज भूख हड़ताल करेंगे 11 किसान संगठन। देखिए किसान आंदोलन का 26वां दिन है आज और किसानों ने आंदोलन तेज करने का ऐलान भी कर दिया है। तीनों नए कृषि कानून वापस लेने की मांग लगातार किसानों की तरफ से की जा रही है। एनडीए नेताओं की घेराबंदी की भी बात किसानों की तरफ से कही गई है और मन की बात के दौरान थाली पीट कर विरोध किसान दर्ज कराएंगे 25 से 27 दिसंबर तक। हरियाणा के किसान टोल भी नहीं देंगे, किसानों की तरफ से साफ चेतावनी दे दी गई है। 26वां दिन है आज किसान आंदोलन का और आज 11 किसान संगठन भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। किसानों ने आंदोलन तेज करने का ऐलान कर दिया है और साथ साथ एनडीए नेताओं की घेराबंदी भी करेंगे किसान, ये भी किसानों की तरफ से साफ कर दिया गया है। मन की बात के दौरान थाली पीट कर विरोध दर्ज कराएंगे, ये बड़ी खबर है इस वक्त किसान आंदोलन को लेकर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल लगातार किसान आंदोलन तेज होता हुआ जा रहा है और देखिए 5 से 6 दौर की बातचीत हुई किसानों और सरकार के बीच जो बेनतीजा रही। हालांकि किसानों ने साफ कर दिया है कि दरअसल जब तक ये तीनों नए कृषि कानून वापस नहीं हो जाते तब तक उनका ये जो प्रदर्शन है, जो आंदोलन है, वो इसी तरह से जारी रहेगा। और आप अंदाजा लगाइए कि 26वां दिन है आज, किसानों को इसी तरह से प्रदर्शन करते हुए सर्द रात भी किसानों की सड़कों पर गुजर रही है। लेकिन किसानों ने साफ कर दिया है कि वो हर परिस्थिति से निपटेंगे, लेकिन जब तक ये तीनों नए कृषि कानून वापस नहीं हो जाते तब तक उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा। हालांकि केंद्र सरकार बार बार किसानों को आश्वस्त करने की कोशिश कर रही है, संशोधन के लिए तैयार है और साथ साथ एमएसपी के लिए भी सरकार तैयार, लेकिन किसानों ने साफ कर दिया है कि देखिए उन्हें लिखित में चाहिए और साफ तौर पर तीनों कृषि कानून उन्हें पूरी तरह से रद्द चाहिए। जब तक ये तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक ये आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। हालांकि अब तो और तेज करने की आंदोलन चेतावनी दे दी है किसानों ने, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार किसानों को आश्वस्त कर रहे हैं तो आखिर किसानों को क्यों भरोसा नहीं हो रहा है? कहाँ कमी रह गई केंद्र सरकार की? बार बार केंद्र सरकार कह रही है तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है, आखिर जब उन्हीं के हित में है तो वो किसान ही क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? ये भी बड़ा सवाल है, क्या कमी रह गई है? ये भी बड़ा सवाल। तो आपको बता दें कि देखिए लगातार किसान संगठनों की तरफ से भूख हड़ताल जो कर रहे हैं किसान संगठन, उनकी तरफ से भी साफ कर दिया है कि ये आंदोलन और तेज किया जाएगा। एनडीए नेताओं की घेराबंदी भी किसान करेंगे। 26वां दिन है आज किसान आंदोलन का। मन की बात के दौरान थाली पीट कर विरोध भी किसान करेंगे।